नमस्ते एंड वेलकम टू कैच लाइव विद भूमि। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने दोनों लिविंग एरिया का एक कंपैरिजन। मेरे घर में दो लिविंग रूम है, एक है नीचे की तरफ देखिए लिविंग एरिया ग्राउंड फ्लोर पे, और स्टेयर्स जो ये जा रही हैं इनसे ऊपर आता है एक सेकंड लिविंग एरिया। जो सेकंड लिविंग एरिया है देखिए, इस तरह से हम स्टेयर्स से जाते हैं ऊपर, और ऊपर इस तरह से एक लिविंग एरिया मिलता है। इस लिविंग एरिया में भी बहुत अच्छी रोशनी एयर आती है, क्योंकि यहाँ पे एक बालकनी के लिए एक बहुत अच्छा एरिया बना हुआ है बालकनी का, तो वहाँ के लिए एक डोर है जिससे आती है बहुत अच्छी रोशनी। तो मैं जो आज आपके साथ शेयर करूँगी ये है बेसिकली कंपैरिजन, जिससे आपको कुछ आइडियाज़ मिलेंगे अगर आप लिविंग एरिया को डेकोरेट करने जा रहे हैं तो। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं किस तरह से मैंने अपने दोनों लिविंग एरिया को सजाया है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहली चीज़ आती है वो है कलर थीम की। बहुत ज़रूरी है आप अगर डेकोरेट करने जा रहे हैं तो कौन सी कलर थीम आप लेंगे। जैसे ग्राउंड फ्लोर के लिविंग एरिया में ब्लू, वाइट और एक डोमिनेटिंग कलर येलो कलर की कलर थीम है, बहुत ही वाइब्रेंट लगते हैं ये कलर अगर आप लिविंग एरिया में लेते हैं तो। फर्स्ट फ्लोर की जो मेरा लिविंग एरिया है उसमें है वाइट गोल्डन कलर की थीम, जिसमें मैंने डोमिनेटिंग कलर ब्लैक ले रखा है। डोमिनेटिंग कलर लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि एक ही लुक ना क्रिएट हो जाए, एक बोरिंग लुक ना क्रिएट हो जाए। इसके बाद आता है वॉल डेकोर। तो वॉल डेकोर बहुत इंपॉर्टेंट है, चूज़ करिए। तो ग्राउंड फ्लोर का जो लिविंग एरिया है उसमें फ्रंट वॉल कुछ इस तरीके की है, जिसमें कि लगे हुए हैं एक मेटल के कृष्णा जी, बेहद खूबसूरत हैं, पूरे मेरे लिविंग एरिया का एक स्टेटमेंट पीस है। अमेजोन से मैंने ये परचेस करे थे, लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका। और इसके साथ मैंने लगा रखी है होम सेंटर से परचेस करा हुआ ये एक वॉल डेकोर पीस, ये भी कलर थीम के अकॉर्डिंग बहुत सुंदर लगता है। इन कृष्णा जी के दोनों तरफ मैंने अमेजोन से परचेस करी हुई कुछ टी लाइट्स लगा रखी हैं, जो कि बहुत अच्छी लगती हैं जब जल जाती हैं। तो देखिए जलने के बाद ये टी लाइट कुछ इस तरह से लुक देती हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कृष्णा जी के दोनों तरफ कुछ दीपक जल रहे हों। इसके अलावा मैंने लगा रखी है खुद बनाई हुई एक मधुबनी पेंटिंग। मुझे मधुबनी पेंटिंग बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने इन्हें खुद बनाया था और ये कृष्णा जी की पेंटिंग बहुत ही सुंदर बन गई थी, तो इसे भी मैंने नीचे के लिविंग एरिया में लगा रखा है। अब जो मेरा फर्स्ट फ्लोर का लिविंग एरिया है उसमें मैंने जो बनाया है खुद, वो है एक मेरी मेमोरी वॉल, बहुत सुंदर लगती है पूरे घर में। मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर यही एरिया लगता है मेमोरी वॉल का। कैसे मैंने इसको बनाया आपके संग जल्दी ही शेयर करूँगी, बहुत ही आसान है, कुछ मैंने इसमें चेंजेस भी किए हैं अब। तो ये एक बनी हुई है मेमोरी वॉल, बहुत सुंदर ये लगती है। इसके नीचे मैंने एक वॉल शेल्फ भी लगा रखी है। इसके अलावा जयपुर से मैंने कुछ पेंटिंग्स खरीदी थी, वो भी मैंने यहीं लगा रखी हैं। देखिए दोनों कलर थीम के अकॉर्डिंग वाइट और गोल्डन कलर की ही हैं ये, और इसी तरीके से लोकल शॉप से खरीदी हुई मैंने एक सीनरी भी यहाँ पे लगा रखी है। अब देखिए नेक्स्ट बारी आती है सीटिंग अरेंजमेंट। दोनों जगह बिल्कुल डिफरेंट है। ग्राउंड फ्लोर पे मैंने लगा रखा है सोफा, जो कि 311 का सोफा है। तो इसमें मैंने रैंडम कलर के कुशन, रैंडम एक्चुअली साइज के कुशंस रख रखे हैं। कलर थीम सेम है, तो ये बेसिकली इस पे मैंने बिछा रखा है थ्रो, तो ये गंदा भी नहीं होता है, तो इस पे दिन भर बैठे रहते हैं तो ये बिल्कुल साफ सुथरा यहाँ पे रहता है। बाहर से देखिए विंडो से बहुत अच्छी यहाँ पे भी एक रोशनी आती है। और जो ऊपर का एरिया है उसमें है लोअर सीटिंग, उसमें एक छोटा लो हाइट का दीवान पड़ा हुआ है, तख्त पड़ा हुआ है, जिसमें मैं वाइट और गोल्डन कलर की ही मैचिंग रखती हूँ। ब्लैक कलर के कुशन कवर्स मैंने यहाँ लगा रखे हैं, जो कि कलर थीम के अकॉर्डिंग ही हैं। इसके अलावा देखिए कुछ मैंने छोटे छोटे मसन या बॉल्स्टर्स भी रख रखे हैं। अमेजोन से मंगाया हुआ यह एक मैंने कुशन, फ्लोर कुशन रख रखा है यहाँ पे, और इसी तरीके से पुराने मैंने जो है गद्दों को बना यूज़ करके बना रखी है एक लोअर सिटिंग। तो ये पूरा एरिया एक लोअर सिटिंग है, जबकि जो ग्राउंड फ्लोर का एरिया है उसमें बिल्कुल भी लोअर सिटिंग नहीं है।
अब देखिए नेक्स्ट बारी आती है कॉर्नर्स की। दोनों ही एरिया के कॉर्नर्स बहुत बढ़िया मैंने बनाए हैं। ग्राउंड फ्लोर में बनाया हुआ है एक बुक कॉर्नर, एक छोटी लाइब्रेरी। तो यहाँ पे बैठेंगे तो पढ़ेंगे बुक्स, बहुत बढ़िया लगता है। सामने से खिड़की से बाहर का एक ग्रीन एरिया भी दिखाई देता है। तो ये तो है एक बुक कॉर्नर जो कि कुछ ना कुछ एनर्जी आपको देगा जब आप बुक्स को पढ़ेंगे। और इसी तरीके से जो मेरा ऊपर का एरिया का कॉर्नर है वो देगा आपको शांति, क्योंकि ये है एक जेन कॉर्नर जिसमें खुद का बनाया हुआ एक वाटर फाउंटेन, खुद बनाई हुई एक स्ट्रिंग लाइट और बुद्धा जी रखे हुए हैं। ये सब चीज़ों के जो वीडियोज़ हैं वो उन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो देखिए दोनों जगह के कॉर्नर एक डिफरेंट एनर्जी आपको दे रहे हैं। तो नीचे है बुक्स की एनर्जी और ऊपर है एक शांति की एनर्जी। अब देखिए जो नेक्स्ट चीज है वो है कर्टेन्स। बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कर्टेन्स वॉल डेकोर में। तो ग्राउंड फ्लोर का जो लिविंग एरिया है उसमें लगा रखे हैं मैंने पॉलिस्टर के अमेजोन से मंगाए हुए 9 फीट हाइट के ये कलरफुल कर्टेन्स। बहुत ही वाइब्रेंट और कलरफुल हैं, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी ये देते हैं। बहुत खिला खिला सा ये जो है एक नीचे का लिविंग एरिया लगता है। तो बाहर से रोशनी आती है तो उनका भी रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा इस रूम में पड़ता है। और जो ऊपर के एरिया में मैंने फर्स्ट फ्लोर में लगा रखे हैं कर्टेंस वो मैंने खुद बनाए थे, वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, चेक करिएगा। वाइट कलर का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर के लिविंग एरिया की थीम है वो है एक शांति की, पीस की थीम। तो जिसके के लिए वाइट कलर बहुत ही शांति का ही एक जो है माना जाता है वाइट कलर। तो यहाँ वाइट और गोल्डन कलर के मैंने ये कर्टेंस लगा रखे हैं फ्रिल वाले, बहुत सुंदर लगते हैं। वीडियो आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसी के साथ देखिए अब बारी आती है सेंटर टेबल की। तो जो नीचे का लिविंग एरिया है उसमें जो सेंटर टेबल है वो सिंपल ग्लास की सेंटर टेबल है बिल्कुल। उसे मैंने वाइट कलर से जो है डेकोरेट कर रखा है, वाइट कलर के मैंने डेकोर पीस लगा रखे हैं और रख रखी है मैंने इसमें एक मैगजीन रैक। रीज़न ये है कि यहाँ मैंने बना रखा है एक लाइब्रेरी छोटी सी या बुक का कॉर्नर, तो बुक पढ़ते टाइम आप इस पर बुक रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैगजीन रैक रख रखी है और यूज़ कर रखा है मैंने यहाँ पे वाइट कलर का। ये मैगजीन रैक मैंने अमेजोन से परचेस करी थी। और जो मेरा ऊपर का एरिया है वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है। उसमें मैंने लो हाइट की एक टेबल रख रखी है जो मैंने खुद बनाई थी, और इसे अब मैंने थोड़ा सा चेंज में करने की सोच रही हूँ। तो ये वहाँ पर लोअर सिटिंग की वजह से मैंने लो हाइट की ही टेबल यहाँ पर रख रखी है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा दोनों लिविंग एरिया का कंपैरिजन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कोई सजेशन हो तो सजेशन भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के संग। थैंक यू एंड बाय बाय।